हेलो एवरीवन, आरचल 6 की वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम सीखेंगे एनएफएस सर्वर कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। पिछले वीडियो में हमने एनएफएस सर्वर का बेसिक कॉन्सेप्ट सीखा था कि एनएफएस सर्वर का क्या यूज होता है, कि उसका कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे उसको यूज करते हैं, कब उसको यूज करना चाहिए। ठीक है, ये मेन कॉन्फ़िगरेशन वाले जो बेसिक जो कॉन्सेप्ट था हमने पिछले वीडियो में सीखा था। इस वीडियो में सीखेंगे एनएफएस सर्वर को कॉन्फ़िगर कैसे करते हैं। तो ये हमारी कॉन्फ़िगरेशन लैब है जिसमें हमें इस मशीन को एज ए एनएफएस सर्वर कॉन्फ़िगर करना है। और एनएफएस सर्वर का जो आईपी एड्रेस रहेगा वो ये है 172.18.209.9 और सबनेट मास्क रहेगा 255.255.255.0 और जो क्लाइंट रहेगा उसका जो आईपी एड्रेस है वो रहेगा 172.18.209.10 और उसका सबनेट मास्क रहेगा 255.255.255.0। ये हमारे क्लाइंट है, एनएफएस क्लाइंट, और ये हमारा एनएफएस सर्वर। तो इसकी जो कुछ स्टेप्स होती है वो मैंने एक फाइल बनाई है, उन सभी स्टेप्स को हम फॉलो करेंगे और एनएफएस सर्वर को कॉन्फ़िगर करेंगे। तो सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं कि हमारा जो एनआईसी है वो प्रॉपर कॉन्फ़िगर है या नहीं हमारे एनएफएस सर्वर का। तो ये हमारा मशीन जो है वो एनएफएस सर्वर है, इसको हम एडिट कर देते हैं यहाँ से टाइटल में जा करके। सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं कि हमारा जो एनआईसी है वो कॉन्फ़िगर है या नहीं। तो एनआईसी हमारा कॉन्फ़िगर है 172.18.209.9। उसके बाद इसको चेक कर लीजिए कि ये प्रॉपर वर्क कर रहा है या नहीं। तो ये प्रॉपर वर्क कर रहा है। इसके बाद आपको क्या करना है कि पैकेज इंस्टॉल करने हैं एनएफएस सर्वर के। तो एनएफएस सर्वर के जो पैकेज होते हैं मेन, वो कौन कौन से हैं, एनएफएस यूटिल्स और एनएफएस यूटिल्स लिब। ये दो पैकेज आपको इंस्टॉल करने पड़ेंगे। और तीसरा पैकेज होता है आरपीसी बाइन। ये जो दो पैकेज हैं ये एनएफएस सर्वर के और ये है आरपीसी बाइन, पोर्ट मैपिंग के लिए यूज होगा। तो अगर आप एनएफएस वर्जन 4 यूज कर रहे हैं तो इस पैकेज का आपको इंस्टॉल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप एनएफएस वर्जन के ओल्डर वर्जन यूज कर रहे हैं एनएफएस के, तो इसमें आपको ये पैकेज आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा आरपीसी बाइन। अगर आप RHEL 6 में एनएफएस के ओल्डर वर्जन यूज करें तो आपको आरपीसी बाइन पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा। अगर आप RHEL 6 से पहले यानी RHEL 5 या 4 यूज कर रहे हैं तो आपको पोर्ट मैप के पैकेज इंस्टॉल करने पड़ेंगे। ठीक है, तो अभी हम जो यूज कर रहे हैं वो वर्जन है एनएफएस वर्जन 4, तो इस पैकेज की हमें ज़रूरत नहीं है। तो पहले हम चेक कर लेते हैं कि हमारे जो एनएफएस सर्वर के जो पैकेज है ये हमारे इस मशीन में इंस्टॉल है या नहीं। तो चेक करने के लिए कमांड है rpm-qa-nfs-utils-install। तो अभी एनएफएस सर्वर का कोई पैकेज इंस्टॉल नहीं है। अब आपको एनएफएस सर्वर के पैकेज इंस्टॉल करने के लिए दो तरीके हैं आपके पास। पहला है rpm कमांड से आप कर सकते हैं, 1x1 आपको सभी पैकेज इंस्टॉल करने पड़ेंगे। और दूसरा है अगर आपने यम सर्वर कॉन्फ़िगर कर रखा है तो आप यम सर्वर के थ्रू भी आप एनएफएस सर्वर के पैकेज आप इंस्टॉल कर सकते हैं। तो अभी हमने यम सर्वर कॉन्फ़िगर कर रखा है, इसलिए हम जो अभी पैकेज इंस्टॉल कर रहे हैं वो किसके थ्रू, यम सर्वर के थ्रू करेंगे। ठीक है, तो करते हैं, चलिए देख लेते हैं। यम इंस्टॉल एनएफएस यूटिल्स और एनएफएस यूटिल्स हाइफन लिब, ये दो पैकेज हमें इंस्टॉल करने पड़ेंगे। तो ये दोनों पैकेज हमें इंस्टॉल करना। अब ये पूछ रहा है यहाँ पे यस, इस दो पैकेज हमें मिले हैं इससे रिलेटेड, क्या ये सही है, तो हमें यहाँ पर यस करना है। अब ये पैकेज इंस्टॉल कर रहा है। अब आप पैकेज को वेरीफाई कर लीजिए कि वो इंस्टॉल हुए या नहीं। तो उसके लिए कमांड है rpm-qa-nfs-utils-install। तो चलिए, हमारे एनएफएस सर्वर के पैकेज इंस्टॉल हो चुके हैं। आरपीसी बाइंड की हमें कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम एनएफएस वर्जन 4 यूज कर रहे हैं। उसके बाद आपको जो भी आपको शेयर करना है, या तो आप पहले से कोई डायरेक्ट क्रिएट हुई कर चुके हैं उसको आपको शेयर करना था, वो भी एनएफएस के थ्रू शेयर कर सकते हैं। अगर आप कोई नई डायरेक्ट क्रिएट करके शेयर करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। तो अभी हम एक नई डायरेक्ट क्रिएट करेंगे और उसको फिर एनएफएस सर्वर के थ्रू शेयर करेंगे। तो चलिए, हमने एक डायरेक्टरी क्रिएट की है एनएफएस शेयर नाम से, उसको हमें एनएफएस सर्वर के थ्रू शेयर करना है। इसको हम परमिशन सेट कर देते हैं chmod777nfsshare। चलिए, हमने फुल परमिशन दे दी है सभी यूजर को। उसके बाद हमें क्या करना है, इस शेयर को
जब भी आपको एनएफएस वालों के थ्रू शेयर करना है उसकी एक एंट्री करनी पड़ती है, एनएफएस की मेन कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है ईटीसी एक्सपोर्ट्स, उस फाइल का नाम है ETC/exports, इस फाइल में आपको उसकी एंट्री करनी पड़ती है। तो चलिए हम एंट्री करते हैं इस अमाउंट को, इस शेयर की VIM/ETC/exports। अब VM से जब भी आप यूज कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले इंसर्ट मोड में जाना पड़ेगा। इंसर्ट मोड में जाने के लिए आपको आई प्रेस करना है या फिर इंसर्ट की प्रेस करनी है, तो आई प्रेस करते हैं। फिर यहाँ पे सबसे पहले आपको लिखना है जो भी आपने शेयर किया है, उसके बाद में जिस क्लाइंट को प्रिविलेज एक्सेस देनी है उसका आपको नेम लिखना है, उसका आपको आई पी एड्रेस लिखना है। अगर आप चाहते हैं कि अगर आपका क्लाइंट, जैसे हम टेपोलॉजी देखते हैं, जैसे ये क्लाइंट, ये जो हमारा एनपा सर्वर है वो दो या दो से अधिक नेटवर्क से कनेक्टेड है, और अगर आप जानते हैं कि सभी नेटवर्क में ये जो शेयर आप कर रहे हैं वो सभी नेटवर्क में एक्सेस हो, तो आपको यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, स्टार सिंक, आपको ये एंट्री करनी पड़ेगी। इससे क्या होगा कि आपका जो एनपा सर्वर है किसी भी नेटवर्क से कनेक्टेड हो वो सभी नेटवर्क में ये शेयर एक्सेस हो सकता है, होगा अगर आप ये एंट्री करते हैं। तो आप चाहते हैं कि किसी एक ही नेटवर्क में एक्सेस हो, दूसरे किसी नेटवर्क में एक्सेस ना हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे उस नेटवर्क का नेटवर्क एड्रेस आपको लिखना पड़ेगा। तो हम लिखते हैं, चलिए ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आपको नेटवर्क एड्रेस लिखना पड़ेगा। तो अभी हमने लिखा नेटवर्क एड्रेस, यानी अभी जो हमने एनपस शेयर किया है /एनपस शेयर, ये 172.18.209.0 नेटवर्क में ही एक्सेस हो गया, यानी इस नेटवर्क के सभी क्लाइंट उसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि किसी एक ही क्लाइंट को हमें परमिशन देनी है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे उस क्लाइंट का आईपी एड्रेस आपको लिखना है, जैसे मैंने लिखा 172.18.209.10। अब क्या होगा कि उस नेटवर्क में 172.18.209.0/24 नेटवर्क में सिर्फ जिस मशीन का आईपी एड्रेस ये है 172.18.209.10, वही मशीन इस शेयर को एक्सेस कर पाएगा, दूसरा कोई मशीन एक्सेस नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो आप इस तरह आप एंट्री कर सकते हैं। तो इस क्लाइंट को हमने परमिशन दी RW, यानी रीड एंड राइट, यानी ये मशीन जब एक्सेस करेगा तब उसे रीड एंड राइट की परमिशन मिलेगी। यदि आप चाहते हैं कि एक और क्लाइंट को सिर्फ रीड ओनली की परमिशन देनी है, तो कैसे देंगे, /NFS/share तो आप इस तरह परमिशन दे सकते हैं कि जो जिस मशीन का आईपी एड्रेस 10 होगा 172.18.209.10 उसको रीड एंड राइट की परमिशन मिलेगी, और जिस मशीन का आईपी एड्रेस होगा 172.18.209.11 उसको सिर्फ रीड ओनली की परमिशन मिलेगी, यानी वो क्लाइंट उसको उस शेयर को एक्सेस कर सकता है, उसमें कोई चेंज नहीं कर सकता, जबकि जिसका आईपी एड्रेस 10 होगा वो उसको एक्सेस भी कर सकता है और उसमें चेंज भी कर सकता है। तो चलिए अभी इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है, और ये एंट्री करने के बाद में आप इस फाइल को बाद में सेव कर लेना है, हमें सेव कर लेना है। सेव करने के लिए है escape:wq, तो इस एंट्री में सेव हो गई। उसके बाद आपको एनएफएस की सर्वे स्टार्ट करनी है, तो सर्विस हमारी स्टार्ट हो चुकी है, सभी में ओके आ रहा है। उसके बाद में आपको बूट टाइम पर ऑन करना है एनएफएस सर्विस को, तो उसके लिए कमांड है chk config nfs on। तो इससे क्या होगा, जब मशीन शुरू हो रहा होगा तब भी एट बूट टाइम पे भी ये सर्विस स्टार्ट हो जाएगी, यानी बाद में आपको स्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आईपी टेबल्स को अभी हम कॉन्फिगर नहीं करें इस वीडियो में आईपी टेबल्स को जो रूल्स है वो क्रिएट नहीं करेंगे, इसमें हम आईपी टेबल्स को टर्न ऑफ कर देते हैं। तो चलिए आईपी टेबल्स को टर्न ऑफ कर देते हैं। तो इसके जो रूल्स हैं कैसे क्रिएट करते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे, इस वीडियो में हम आईपी टेबल्स को टर्न ऑफ कर देते हैं। अभी जो हम एनपस सर्वर यूज करेंगे विदाउट आईपी टेबल्स के यूज करेंगे, यानी विदाउट फायरवॉल रूल क्रिएट किए हुए भी हम
उसको एक्सेस कर सकते हैं। अगर आपको NFS सर्वर को सिक्योर करना है तो आपको फायरवॉल के रूल क्रिएट करने पड़ेंगे। तो अभी हम सिर्फ रूल क्रिएट नहीं करते, विदाउट फायरवॉल का हम NFS सर्वर कॉन्फिगर करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो आएंगे उसमें हम फायरवॉल के रूल कैसे क्रिएट करते वो भी हम सीखेंगे। चलिए हमारे NFS सर्वर स्टार्ट हो चुकी है। उसके बाद में जो भी आपने माउंट किया है, जो भी आपने सॉरी शेयर किया है, उसको चेक करने के लिए आपके पास आपको एक कमांड यूज करना है, सो माउंट हाइफन ई। ये कमांड क्या बताएगा कि आपने आपके NFS सर्वर जो भी शेयर किया है, यानी सिर्फ आप लिखेंगे सो माउंट हाइफन ई, यानी जिस मशीन पर आप ये कमांड एग्जीक्यूट करेंगे उस मशीन पर जो भी शेयर है, NFS शेयर है, उसकी आपको लिस्ट शो करेगा। यानी इस मशीन पर हमने शेयर क्या किया है स्लैश NFS शेयर, और उसको क्या और किस क्लाइंट को हमने प्रिविलेज दिया है 172.18.209.10, ठीक है। और उसके अलावा कुछ कमांड और हैं इसके, जैसे ये रहे अगर आपको साथ में ऑप्शन भी चेक करने हैं तो उसके लिए आपको कमांड है एक्सपोर्ट एफएस हाइफन बी। तो ये आपको बताएगा कि ये कमांड अगर आप यूज करेंगे तो आपको बताएगा आपने क्या क्या शेयर किया है और किस क्लाइंट को प्रिविलेज दिया है और कौन सा आपने परमिशन उसको कौन सा ऑप्शन आपने यूज किया है वो आपको डिटेल्स में शो करेगा। सो माउंट हाइफन ई कमांड सिर्फ आपको ये बताएगा कि आपने क्या शेयर किया है और किस क्लाइंट को प्रिविलेज दिया है, जबकि एक्सपोर्ट एफएस हाइफन वी कमांड आपको क्या करेगा कि आपने क्या शेयर किया है, किस क्लाइंट को प्रिविलेज दिया है और क्या ऑप्शन उसमें यूज किए हैं वो सभी डिटेल आपको बताएगा। तो इस तरह हमारा NFS सर्वर कॉन्फिगर हो चुका है, ठीक है। आगे के वीडियो हम सीखेंगे NFS क्लाइंट कैसे कॉन्फिगर करते हैं। इस वीडियो में इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।